कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में बयान देते हुए कहा कि तजिंदर बग्गा अलग पार्टी से हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध पाप है। जी हां, आपको बता दें, तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तजिंदर बग्गा अलग पार्टी से हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब पुलिस के जरिए व्यक्तिगत हिसाब चुकता कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब पुलिस का राजनीतिकरण कर उसकी छवि खराब करना बंद करो। बिना पगड़ी के गिरफ्तार करना सिख समुदाय का अपमान होता है। साथ ही बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने एक वीडियो के हवाले से दावा किया है कि कथित तौर पर पंजाब पुलिस के लोग बग्गा को बिना पगड़ी के जबरदस्ती उठा लेते हैं। उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी महाठग करार देते हुए लिखा कि सिखों के अपमान पर केजरीवाल जी कब चुप्पी तोड़ेंगे। गौरतलब है कि बग्गा की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता ने दिल्ली पुलिस में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण के मामले में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर बग्गा को खोजने की कवायद शुरू कर दी। फिर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का काफिला कुरुक्षेत्र में रोक लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को कुरुक्षेत्र से वापस दिल्ली ला रही है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। पंजाब पुलिस का कहना है कि 36 वर्षीय बग्गा को 5 नोटिस दिए गए थे, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए। पिछले महीने पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया था। 1 अप्रैल को दर्ज की गई FIR में बग्गा की 30 मार्च की टिप्पणी का उल्लेख है, जब वह दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा विंग के विरोध का हिस्सा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।